और सुपरफास्ट खबरों के बाद सबसे पहले नजर आज की चार बड़ी खबरों पर। हालांकि सबसे पहली खबर, किसान आंदोलन का आज 27वां दिन हो चुका है लेकिन सुलह का रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया। और दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो पीएम मोदी पहली बार आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। तीसरी बड़ी खबर ये कि कश्मीर में आज DDC चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनावों में कश्मीरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था जिस वजह से इसे कश्मीर में नई सुबह भी कहा जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी ब्रिटेन में कोरोना का ज्यादा ताकतवर वायरल मिलने के बाद दुनिया में सनसनी फैल गई है। भारत ने भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर गुजरात से सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुजरात से हादसे की हैरान करने वाली ये तस्वीर, सड़क पार कर रहे बच्चे को ऑटो ने टक्कर मार दी। खतरनाक सड़क हादसे में बाल बाल बचा बच्चा। तो ये देखिए कितनी तेज रफ्तार ऑटो वहां से आई और बच्चा जो सड़क पार कर रहा था उसे जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे घसीटते हुए बच्चा काफी दूर तक जा गिरा। गुजरात की ये तस्वीर है, गुजरात से ये हादसे की बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर आई है। अब देखिए सड़क पार कर रहे बच्चे को ऑटो ने कैसे जबरदस्त टक्कर मारी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीच रास्ते में आग बनी कार का गोला। जी हां, बीच सड़क पर कार में आग लग गई। अचानक से ये आग लगी है, त्रिवेंद्रम की सड़क पर अचानक से आग लगी। पूरी की पूरी कार बीच सड़क पर जलने लग गई। ये देखिए तस्वीर, किस तरह से खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन बीच सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। त्रिवेंद्रम की सड़क पर अचानक से कार पूरी तरह से जलने लगी। तो काफी भीड़भाड़ वाला ये इलाका, आसपास से देखिए आप, कार भी गुजर रही है। हालांकि दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। किसान आंदोलन का 27वां दिन, आज भी भूख हड़ताल करेंगे 11 किसान। जी हां, 10 बजे सिंघू बॉर्डर पर जत्थाबंदियों की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। सरकार से बातचीत पर आज किसान फैसला करेंगे कि उनको आगे क्या करना है, क्या फैसला लिया जाए, क्या कोई तारीख देंगे बातचीत के लिए। तो किसान आंदोलन का 27वां दिन और आज भी धरने पर बैठे हुए हैं किसान, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं किसान। और आज भी 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों का संग्राम जारी, ठंड में एक एक दिन भारी। क्यों नहीं हो रही वार्ता, सरकार बातचीत के लिए निकालो रास्ता। सत्ताईसवें दिन भी एक ही सवाल, आखिर कब खत्म होगा ये किसान आंदोलन। हालांकि बातचीत के लिए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है जिस पर आज किसान मंथन करेंगे। 10 बजे सिंह बॉर्डर पर पंजाब के जत्थेबंदियों की बैठक होनी है, जिसके आधार पर दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से बातचीत करनी है या नहीं तय करेगा। वहीं आज भी 11 बजे से 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों ने आज NH-24 पर चक्का जाम करने का फैसला किया है। लग रहा है कि वे बातचीत करना चाहते हैं बिंदुवाइज। हाँ, हम उस पर बात करना नहीं चाहते। बिंदुवाइज का मतलब है कि किसी चोर ने चोरी करी और उसे हम डिटेल वाइज बुझे चोरी कैसे करी। हमारे जो ऑर्डिनेंस है वापस लेकर लोगों को राहत दे और अपने घरों को जाए, हम और कुछ चाहते ही नहीं है। हम बिहार और तमिलनाडु के किसानों से भी दिल्ली आने की अपील कर दी गई है। सरकार किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधान वार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हम आगे बढ़ें। कुल मिलाकर मामला थमता नजर नहीं आ रहा। न सरकार झुकने के लिए तैयार और न ही किसान।
संवाद का रास्ता नहीं निकलेगा तो किसानों के साथ पूरा देश परेशान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बड़ी खबर, जी हिंदुस्तान पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, किसानों के हित में सोच रही है सरकार। महेश शर्मा का ये बड़ा बयान, किसानों को सरकार से बातचीत करनी चाहिए, किसान विपक्ष की साजिश का शिकार हो रहे हैं। महेश शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया जी हिंदुस्तान पर। इस वक्त मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी हैं। सर, बड़ी स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से किसान यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आपका संसदीय क्षेत्र भी है, आप भी आते जाते वक्त देखते होंगे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को भी, और जो किसान बैठे हुए हैं इतनी ठंड में उनको भी। एक ही मांग को लेकर अड़े हैं कि ये बिल वापस हो। आपको क्या लगता है सर कि अब कैसे सरकार इनको समझाने की कोशिश करेगी? देखिए, हर समस्या का समाधान संवाद है, और हमारी सरकार ने पहले दिन से ही, प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी, कृषि मंत्री जी ने भी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, सभी ने यह कहा है कि हम सरकार की ओर से 24 घंटे अपने किसान भाइयों के संवाद के लिए हम तैयार हैं। एक सिर्फ मात्र इस जिद को पकड़ लेना कि पहले कानून हटे और फिर कानून हटने के बाद कोई बात होगी, मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। आज भी सरकार ने जिस विषय को उठाया है, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघो बॉर्डर पर आज सुबह 10 बजे पंजाब के जत्थेबंदियों की बैठक होगी। बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर मंथन किया जाएगा। बातचीत में जो फैसला होगा उसे संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखा जाएगा। आज दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की ये मीटिंग होने वाली है। और देखिए, 27वां दिन अन्नदाता संघ 10 और संवाददाता, जी हाँ, और हम बताएंगे सुलह का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हम हमारे किसान भाइयों के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। औरों की तरह स्टूडियो से ही बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करते, बल्कि खबर की तह तक जाते हैं। और किसान आंदोलन को लेकर के तो शुरुआत से ही हमारी जो सोच है वो एकदम साफ रही है कि जो भी बताएंगे वो किसानों के बीच से ही बताएंगे, जो भी दिखाएंगे वो किसानों के बीच से ही दिखाएंगे, जो भी देखेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ते संग्राम के बीच सरकार की तरफ से संवाद का रास्ता निकालने की कोशिश लगातार जारी है। संग्राम के बीच संवाद का पहला संकेत, केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए न्योते की चिट्ठी भेजी। संग्राम के बीच संवाद का दूसरा संकेत, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच 1-2 दिन में बैठक हो सकती है। संग्राम के बीच संवाद का तीसरा संकेत, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री फिर करेंगे किसान संवाद। सरकार की तरफ से 40 किसान संगठनों को 5 पन्नों की चिट्ठी भेजी गई है, जिसका बड़ा संदेश क्या है ये हम आपको बताते हैं। अनुरोध है कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधि जो भी आशंकाएं महसूस करते हैं वो उस बारे में हमें बताएं, और वार्ता के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से नई तारीख भी बताएं, जिससे दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बार फिर समाधान के लिए संवाद किया जा सके। चिट्ठी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बंगाल दौरे के दौरान बातचीत होने के संकेत दिए। मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर, नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। मतलब संग्राम और संवाद दोनों साथ साथ तेजी से जारी है, जिससे उम्मीद भी बन रही है कि जल्द कोई ना कोई समाधान निकल भी सकता है। और चलिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग की है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय फौज। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ के बालाकोट में सेक्टर से सीमा पार फायरिंग की गई है, पाकिस्तान को जवाब, मुंह तोड़ जवाब भी जो हमारी भारतीय फौज है वो लगातार दे रही है।
और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के नतीजे आएंगे। 20 जिलों के 280 सीटों के नतीजे आएंगे। सुबह 9 बजे से जो काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। 8 चरणों में ये चुनाव हुए थे जिसमें करीब 51% वोटिंग हुई थी। बढ़ चढ़ करके कश्मीरियों ने हिस्सा लिया। कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे जिसका इंतजार सभी को है। 20 जिलों की 280 सीटों के आज नतीजे आएंगे जिस पर जी हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। सुबह 9 बजे से ये जो काउंटिंग है, वोटों की काउंटिंग, वो शुरू हो जाएगी। वो घड़ी आ गई बदलते कश्मीर को जिसका बेसब्री से इंतजार था। धारा 370 हटने के बाद राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव नतीजे को आए। डीडीसी चुनावों की सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। 8 चरणों में 20 जिलों की 280 सीटों पर चुनाव हुए हैं जिनमें 51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग पारदर्शिता के लिए मतगणना के रिकॉर्डिंग भी करवाएगा। डीडीसी चुनाव नतीजों से अलगाववादी ताकतों को भी करारा जवाब मिलेगा और सीमा पर बैठे आतंक के आकाओं को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सेना ने जहां बुलेट का जवाब बुलेट से दिया, वहीं कश्मीरियों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया है। आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। करीब दर्जन भर बीजेपी नेताओं को डीडीसी चुनाव के दौरान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपने वतन के इन शहीदों को सलूट करता है जिन्होंने अपनी वतन की खातिर कुर्बानी दी है। लेकिन तमाम अड़चनों के बाद कश्मीर तेजी से बदला। धारा 370 हटने से बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का मौका मिला जिससे राजस्व विभाग को इस साल जबरदस्त कमाई हुई। केवल जमीनों के रजिस्ट्रेशन से ही घाटी के राजस्व विभाग को 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। 25,000 से ज्यादा बाहरी लोगों को घाटी में जमीन के रजिस्ट्री के पेपर दे दिए गए। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग, बिजली उत्पादन और निर्माण, इसके साथ ही खनन क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। आतंकवाद में कमी आने से पर्यटन उद्योग भी तरक्की की राह पर है। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सैलानियों का आना इसका सबूत है। शालिनी सिंह के साथ प्रत्युष खरे, श्रीनगर, सीनियर। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एबीयू को आज पहली बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, वर्चुअल रैली के जरिए एबीयू के छात्रों से संवाद किया जाएगा। एबीयू के 100 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है। शताब्दी वर्ष के मौके पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एबीयू में सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं। ऐसे लोगों की जो के मुसलमानों के इंसानियत के खिलाफ रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रोशनी से नहा रही है, स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है। पीएम के स्वागत में बाहें फैलाए खड़ी है। आज पीएम मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं। एएमयू के शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लेकिन एएमयू में जिन लोगों को जिन्ना मंजूर है, उन्हें पीएम का कार्यक्रम रास नहीं आ रहा। मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं। मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी को जो कि आज हमारे वजीर आजम हैं, ठीक है, उनको अलीगढ़ मुस्लिम के वाइस चांसलर ने अगर यहाँ पर न्योता दिया है तो उसके खिलाफ एक एक तालिब इल्म है, सारे ओल्ड बॉयज़ हैं, सारे अलुमनाई अलीगढ़ मुस्लिम के इस फैसले के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों की जो कि मुसलमानों के इंसानियत के खिलाफ रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। ऐसे लोगों पर जिन पर पिछले वक्त में इल्जाम लगते रहे हैं, उनकी हमेशा मुखालफत रही है। मौका ऐतिहासिक है, लेकिन इस मौके पर भी यूनिवर्सिटी का मुस्लिम लीग गैंग
प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहा है। धमकियां दी जा रही हैं कि एएमयू का माहौल बिगड़ा तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आप कुछ न कुछ ऐसा कीजिए ताकि मुस्लिम्स आपको सपोर्ट करें। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता तो हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से जो विरोध का तरीका है हम उसको करेंगे। कैसे करेंगे? वही ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे, जब तक अब तक जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है उसको लेके। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज़ादी के बाद ये किसी प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यक्रम है, यानी एएमयू के लिए ये मौका ऐतिहासिक है। ये एएमयू के लिए गर्व का पल होगा, जब मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर का मंत्र देने वाले मोदी यूनिवर्सिटी को आइडिया ऑफ इंडिया का मंत्र देंगे। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन के लिए रूस ने भारत से डील की है। जी हां, स्पुतनिक वी उत्पादन में रूस की मदद करेगा भारत। डॉक्टर रेड्डीज को स्पुतनिक वी बनाने का जिम्मा मिला है। कोरोना में 92% असरदार है स्पुतनिक वी। और करेंगे अगली बड़ी खबर का, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कहर बरपा रहा है। कोरोना का नया रूप 70% अधिक ताकतवर है, लिहाजा भारत भी सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एविएशन मंत्रालय को यूरोप की फ्लाइंग से सस्पेंड करने के लिए कहा है और कहा कि फिलहाल ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों का जो एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट होगा उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, यानी कि जितनी भी फ्लाइट अब ब्रिटेन से आएंगी उसे रोक दिया गया है। मंगलवार से महाराष्ट्र के नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। उद्धव सरकार ने फैसला ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर लिया। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और ये 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा। रात में इनका इस्तेमाल करने वाले लोगों को रोका नहीं जाएगा। रात 11 बजे तक पब और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, उसके बाद लोग घर जा सकते हैं। इमरजेंसी सेवाओं पर रोक नहीं है। क्रिसमस न्यू ईयर जैसे फेस्टिव सीजन में कोरोना केस बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही उद्धव सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक अब यूरोपीय देशों और मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से गुजरना होगा, उसके बाद ही वो अपने घर जा सकेंगे। मैं हूं या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।